सबको सम्मति दे साई राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन साई राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन साई राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सबको सम्मति दे साई राम। बाबा साहेब टाळ्यांचं सायलेंट भजन आहे, हळूहळू दूत तारमध्ये जाईल, बहुत आनंद आहे का साईराम। दशरथ नंदन प्यारे राम, कौशल्या के दुलारे राम, दशरथ नंदन प्यारे राम, कौशल्या के दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सबको सम्मति दे साई राम, श्री राम जय जय राम, सबको सम्मति दे साई राम, राम राम साई राम, राम राम साई राम, राम राम साई Thank you.
हमारे बीच श्री संत गजानन महाराज मठ के श्री आदरणीय जोशी महाराज जी विराजमान हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। इनके सम्मान के लिए हमारे आदरणीय श्री एसीपी साहेब श्री कुलकर्णी साहब हमारे बीच में हैं, जो श्री जोशी महाराज जी का सम्मान करेंगे। मैं एसीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर कृपया आए और साल और श्रीफल देकर हमारे जोशी महाराज जी का सम्मान करें। मैथिली से गायक कलाकार श्री कैलाश हरिकृष्ण दास यांचं स्वागत करीत आहे श्री सुनील तिवारी। जोरदार टाळ्या। आजची आपली साई संध्या त्यांच्यामुळे आज साकार झाली आहे, त्यांचं भरपूर टाळ्याने स्वागत करायचं आहे। जोरदार टाळ्या। तबला वादक श्री संदेश पोपटकर यांचं स्वागत करीत आहे वृत्तपत्र ठाणे जनाधर चे संपादक श्री अविनाश चव्हाण। जोरदार टाळ्या। हमारे कीबोर्डिस्ट भाई जो अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी अच्छा कीबोर्ड प्ले किया। एक बार इनके सम्मान में तालियां हो जाए। इनके स्वागत के लिए हमारे बीच जो हमारी दूसरी एंकर थी नहीं है, डॉक्टर कल्पना जी, वो इनके सम्मान के लिए आगे आए और इनसे अनुरोध करूंगा कि साल और श्रीफल देकर हमारे श्री विजय नायडू जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। इनके लिए चार लाइनें और कहना चाहूंगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे आंगन में तुलसी का ये पेड़ किसी चंदन के पेड़ से कम नहीं। तुम्हारे घर के आंगन में ये तुलसी का पेड़ किसी चंदन के पेड़ से कम नहीं। और आज ये जो साई संध्या हो रही है ये किसी लंदन से कम नहीं, ये किसी लंदन से कम नहीं। हमारे ढोलक प्लेयर श्री धीरज भाई के सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री प्रिया कुलकर्णी जी को बुलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां।
एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और एक खुशी की बात है कि हमारे बीच जो भारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक, धार्मिक गीतों के गायक आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी के जो पीए हैं श्री प्रमोद जी, वो आज हमारे बीच विराजमान हैं। इनके सम्मान के लिए मैं अपने छोटे भाई गोविंद पांडे जी को आग्रह करता हूं कि आगे आए और साल और श्रीफल देकर, पुष्प गुच्छ देकर हमारे प्रमोद भाई जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। हमारे बीच उस्ताद श्री नासिर खान जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सितार से आपके मन को मोह लिया। उनके सम्मान के लिए मैं श्री आदरणीय अविनाश चौहान जी को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं, जो संपादक है वृत्त पत्र थाने जनाधार के। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आइए एक बार स्वागत समारोह को यहीं पर रोकते हुए कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी लोग, मुझे पता है कि टाइम हो गया है, आप लोगों को भूख लग गई होगी काफी तेज, लेकिन साईं भजन में आप लोग आए हैं तो आनंद लीजिए और एक दिन साईं जी के नाम पर थोड़ा लेट भोजन करिएगा। एक बार बोल साईनाथ महाराज की, जोर से आवाज आनी चाहिए दोस्तों, ऐसे आवाज आनी चाहिए कि शिरडी तक हमारी आवाज पहुंचे। बोल साईनाथ महाराज की। क्या बात है, बच्चे बड़े जागरूक हैं यहाँ के। साई भक्त ने एक फरमाइश के लिए, रहम कीजिए साई, दया कीजिए साई। रहम कीजिए साई, दया कीजिए। रहम कीजिए साई, दया कीजिए। रहम कीजिए साई, दया कीजिए। हमें आपको बचा लीजिए, रहम कीजिए साई, दया कीजिए। रहम कीजिए साई, आप का ही तो
है ये जमाना, अधीनो अधीनो का तू है ठिकाना, बिगड़ी हमारी भी बना दीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए बाबा दया कीजिए, हमें आफतों से बचा लीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए। यही है तमन्ना मिले ये सहारा, हे साईरा तो दिल में एक तमन्ना है कि मुझे आपका सहारा मिलता रहे और आपके चरणों के दर्शन होते रहे। यही है तमन्ना मिले ये सहारा, चरण हो तुम्हारे और सर हो हमारा, यही है तमन्ना मिले ये सहारा, चरण हो तुम्हारे और सर हो हमारा, मुकद्दर को ये हुक्म, मुकद्दर को ये सुना दीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, हमें आफतों से बचा लीजिए, रहम कीजिए जग में पुजारी, हे साईरा इस जग में बहुत सारे आपके पुजारी हैं, भक्त हैं, लेकिन सत्य निष्ठा कितनों में है हे साईरा? हजारों तुम्हारे जग में पुजारी, मगर सत्य भी कितनों में जारी, हजारों तुम्हारे जग में पुजारी, मगर सत्य निष्ठा कितनों में जारी, हमें सच का दर्शन दिखा दीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए।
कीजिए बाबा दया कीजिए, हमें आफतों से बचा लीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, रहम कीजिए दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। साईनाथ महाराज की बाबांचं मराठी भजन आहे, एक मराठी घेऊ या येईव विठ्ठल घेऊ, हा क्या बात ह्या भजनाचा शेवटी गजर आहे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, तर त्यामध्ये आपल्यांची संगत हवी आहे, साथ हवी आहे, शेवटी एकदम भक्त जन बसरे, ये वो विठले भक्त जन बसरे, करुणा कल्लोळे करुणा कल्लोळे, पांडुरंगे पांडुरंगे भक्त जन बसरे, ये वो विठले भक्त जन बसरे, ये वो विठले भक्त जन बसरे, पांडुरंगे पांडुरंगे भक्त जन सजल जल जगन पीताम्बर परिधान हो, सजल जल जगन पीताम्बर परिधान, सजल जल जल
त्यामुळे मी एक अल्ट्रा एक्स्ट्रा तयार केला न पडत एकदम सॉलिड झाला फिट झालाय बघा व्याकुळ झाले विठ्ठल देना Thank you.
कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए पंडित जी 2 मिनट का विश्राम चाहूंगा और कार्यक्रम को जो हमारी सहयोगी संस्थाएं यहाँ पर हैं उनका आभार व्यक्त करना है। साईं बाबा बर्फानी मंडल मुंबई संस्थापक श्री श्रीकांत जाधव जी आप मंच पर आइए। श्रीकांत जाधव जी एक बार श्रीकांत जाधव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से अपना योगदान दिया है। इनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय अपने भाई गोविंद पांडे जी को बुलाऊंगा जो साल और श्रीफल देकर पुष्पगुच्छ देकर हमारे श्रीकांत जाधव जी का सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और हमारी जो दूसरी सहयोगी संस्था है साई सेवक मंडल मुंबई, इन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहले पदयात्रा की शुरुआत की थी साई बाबा के लिए। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं विजय पांजरे जी से कहूंगा कि वो जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आ जाइए और इनके सम्मान के लिए मैं जो हमारे बीच आज पंडित कैलाश हरिकृष्ण दास जी हैं इनके पुत्र को श्याम को मैं बुलाऊंगा कि आकर इनकी सम्मान करें पुष्पगुच्छ और साल देकर। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। साईं बाबा के दरबार में हम बैठे हुए हैं। बोल साईनाथ महाराज की, हेलो हेलो हेलो। 4 लाइनें मैं अपने इन सहयोगी संस्थाओं के लिए कहूंगा कि पक्की परवाना जल रहा है, कि परवाना जल रहा है, पर जल रहा है क्यों, कि परवाना जल रहा है, पर जल भावनाएं आती हैं तो किस तरह से कह रहा है कि दिल लगी क्या चीज है, पहले मुस्कुरा के दे,
हुए हैं। सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने नाम पर भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए और दोनों हाथ उठाकर बोलिए साईनाथ महाराज जी। आइए हमारे संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री पंडित कैलाश हरे कृष्ण दास जी से, जिनके नाम में ही हरे कृष्ण बसा हुआ है, जिनके नाम की शुरुआत ही कैलाश पर्वत से है, सोचिए कि उनकी ऊंचाइयां कितनी होगी और भगवान भोलेनाथ की तरह उनका दिल कितना बड़ा होगा और माँ सरस्वती उनके कंठ में साक्षात विराजमान है। आइए एक बार कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। ये शिरडी से मना शांति बाटे, मना शांति बाटे, जीवा सुख लागे। ये शिरडी से मना शांति बाटे, ये शिरडी से मना शांति बाटे, मना शांति बाटे।